वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं हार्दिक शर्मा आपको स्वागत करता हूं आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के शो में। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक्यू, तो यहां की करेंसी क्या है, यानी मोजाम्बिक्यू की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब है मोजाम्बिकन मेटिकल। मोजाम्बिकन मेटिकल जो है यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो फिलिपे है, फिलिपे नायुसी, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मापूटो। तो मापूटो यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की मेटिकल है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो फिलिपे न्यायूसी हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एयर इंडिया के करंट चेयरमैन और एमडी कौन है? एयर इंडिया के करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इस पे हम दोस्तों जून इसमें मई में हमने डिस्कशन करा था। अगर आपको उसका जवाब पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्रॉस चेक करिएगा दोस्तों। इससे राजीव बंसल जी, राजीव बंसल जी जो हैं वो करंट चेयरमैन हैं और एमडी हैं एयर इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे वाटर हीरोज डिक्लेयर किया गया था जनवरी 2020 में जल शक्ति अभियान के अंडर? जल शक्ति अभियान के अंडर वाटर हीरोज 2020 जनवरी में किसको डिक्लेयर किया गया था? तो इसका जवाब है सीआरपीएफ 195 बटालियन। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री है एचआरडी मिनिस्ट्री, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जो है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट की रैंकिंग निकाली है। और रमेश निशंक पोखरियाल जी जो हैं उन्होंने ये रैंकिंग को जो है इसको घोषित करा है। और इसमें जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट हैं वो मद्रास टॉप पर है, सेकंड नंबर पर है आईआईएससी बेंगलुरु, और थर्ड स्पॉट पर है दोस्तों आईआईटी दिल्ली। यही टॉप 3 स्पॉट इससे पिछले साल भी थे 2019 के लिए, और 2020 के लिए भी यही टॉप स्पॉट रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास फर्स्ट पर है, आईआईटी दिल्ली नंबर थर्ड पर है, और आईआईएससी बेंगलुरु जो है ये सेकंड नंबर पर है। अगर पैरामीटर्स देखें दोस्तों जो जिसके तहत ये रैंकिंग जारी करी गई है, तो वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और पीयर परसेप्शन। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके तहत ये रैंकिंग जारी करी गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी 95th एनुअल सेशन हुआ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जो इसकी इनॉगरल एड्रेस करा इसमें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों आईसीसी यानी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो 1925 से है और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली दोस्तों ये एक प्रीमियर बॉडी है बिजनेस की और इंडस्ट्री की, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है ये काफी प्रिवलेंट है। तो 1995 सेशन इसका है था, और 1925 में जो है इसका स्टार्टिंग हुई थी इस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट है, फिच ने दोस्तों अभी इंडिया की जो है अभी रेटिंग ग्रोथ रेट बताई है, और 9.5 प्रिडिक्ट करी है उन्होंने नेक्स्ट फिस्कल के लिए, मतलब जो अपना ईयर होगा 2021-22 जो रहेगा उसमें जो इंडिया की जो ने फिस्कल ग्रोथ बताई है वो 9.5% बताई है। नेक्स्ट है, अभी जो निसाबा गोदरेज है वो एमडी और सीईओ का पद जो है वो टेक ओवर करेंगी गोदरेज कंज्यूमर्स का। अभी विवेक गंभीर जो थे वो इसके एमडी और सीईओ थे, और 30 जून को वो स्टेप डाउन करने वाले हैं, तो उनकी जगह जो है
निसाबा गोदरेज जो है वो गोदरेज कंज्यूमर का जो है एमडी और सीईओ जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सुनते होंगे कि रेन फॉल अलर्ट होते हैं, कभी येलो अलर्ट जारी होता है, कभी ग्रीन अलर्ट, कभी रेड अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट, तो ये क्या होता है? तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले देखें दोस्तों रेड अलर्ट क्या होता है। रेड अलर्ट दोस्तों वार्निंग होती है और इसमें जो है अथॉरिटीज को जो है नेसेसरी एक्शन जो है वो लेने पड़ते हैं। तो सीवियर रेनफॉल का अलर्ट होता है और एक्शन मोड में जो है इसमें अथॉरिटीज को आना होता है। अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो ये जो होता है इससे इससे जो मतलब होता है वो होता है अलर्ट, और अथॉरिटीज को प्रिपेयर रहने के लिए जो है वो कह दिया जाता है। इसमें जो होता है ऑरेंज वार्निंग में क्या होता है, हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए अथॉरिटीज जो है प्रिपरेशन मोड पे प्रिपेयर्ड मोड पे रहती हैं, और ये एक अलर्ट मोड ये है, मतलब वार्निंग का मतलब है कि अलर्ट रहना। येलो अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट का मतलब होता है वॉच, मतलब आपको देखना है, और अथॉरिटीज का एडवाइस करा जाता है कि आप अपडेटेड रहें। अथॉरिटीज यहाँ पे एनडीआरएफ भी हो सकती है, ऐसी अथॉरिटीज जो है ये अलर्ट के लिए रेडी रहती हैं, तो वॉच पे रहने के लिए कहा जाता है आप अपडेट रहिए। ये होता है येलो का मतलब। ग्रीन का मतलब दोस्तों होता है कि कोई वार्निंग नहीं है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक माइल्ड रेनफॉल की चांसेस है। तो चार टाइप के अलर्ट होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इसके अपने अपने जो है जो मैंने मतलब आपको बताया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक्सट्रीमली हैवी रेन जो होती है, अगर आपकी जो रेनफॉल है वो 204.55 mm से ज्यादा होती है तो वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कैटेगरी में आती है। वेरी हैवी रेनफॉल में 115 mm से लेकर 204.44 mm की जो रेनफॉल होती है वो वेरी हैवी में आती है। 64.5 mm से लेकर 115.5 mm तक की जो रेनफॉल होती है उसे हैवी कहा जाता है, और 15.6 mm से लेकर 64.4 mm की जो रेनफॉल होती है उसे मॉडरेट कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि अलर्ट क्या होते हैं और किस रेन को किस कैटेगरी में डाला जाता है। आगे हम देखते हैं, अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई 2021 की, और इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली जो है टॉप 200 लिस्ट में जो है आए हैं। इस लिस्ट में टॉप करा गया है अमेरिका के यूनिवर्सिटीज ने। एक तो है एमआईटी जिसने रैंक 1 आई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है सेकंड नंबर पर आई है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अमेरिका की ये थर्ड रैंक में आई है। अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो आईआईटी बॉम्बे पिछली बार 152 रैंक पे था, अब वो 172 रैंक पे आ गया है, 20 स्पॉट पीछे आया है। आईएससी जो बेंगलुरु है वो 184 में था पिछली बार, अब 185 पर आ गया, एक पॉइंट जो है एक स्पॉट पीछे आया है। और आईआईटी दिल्ली जो है वो 11 स्पॉट नीचे आके 193 पोजीशन पर है, 182 से खिसक के जो है ये 193 पे आ गया है। तो आईआईटी बैंक बॉम्बे इस लिस्ट में टॉपर रहा है इंडिया की तरफ से, और जो टॉप ओवरऑल वर्ल्ड रहा है वो एमआईटी रहा है। ऐसी दोस्तों अगर यहां देखें जो अपनी नेशनल यूनिवर्सिटी वर्क की रैंकिंग में रहा है तो आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है, और जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जो टॉप किया है वो जो है आईआईटी बॉम्बे ने करा है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। एक दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का वेंचर फंड है जिसे M12 कहते हैं, वो इंडिया में स्टार्ट हो गया है, बैंगलोर में इसकी स्टार्टिंग हुई है, और ये B2B कंपनीज में जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट देता है। ये M12 जो ये इन्वेस्टमेंट फंड है, वेंचर फंड है, इसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उसके स्मार्ट मनी भी कहते हैं, और इसका जो गोल है वो है इंडिया और इंडिया में और ऐसे ही देशों में जो है स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट देना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बी टू बी कंपनीज क्या होती हैं? तो बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस होता है, बेसिकली एक तरह का बिजनेस मॉडल होता है जिसमें कि प्रोडक्ट और सर्विस की सेलिंग होती है टू अदर कंपनीज। मतलब जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपनी सर्विसेज जो होती हैं वो दूसरी कंपनीज को जो है वो सेल करती है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे एक सपोर्टिव कंपनी है तो ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के जो है
ये अदर कंपनी को ये प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये होती है बी टू बी बिजनेस, और इसी टाइप की बिजनेस में जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का वेंचर फंड जो है M12 या स्मार्ट मनी देख कह लीजिए इसको, तो ये जो है इस ऐसे बिजनेसेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। बेंगलोर में इसने अपना अभी ऑफिस खोला है। नेक्स्ट है, अभी इंडिया में गगनयान की तैयारी हो रही है। बेसिकली जो स्पेस वॉक होती है वो किया जाना है गगनयान के थ्रू। तो इसमें क्या है, गगनयान की जो मेन मिशन से पहले जो मैंड मिशन होगा जो गगनयान का, उससे पहले दो अनमैंड मिशन जो है इसरो जो है कंडक्ट करवाने वाला है। तो इसके लिए जो फर्स्ट अनमैंड फ्लाइट थी वो भी पोस्टपोन हो गई है, और इसमें बेसिकली था गया एक वुमोनॉइड जिसका नाम व्योमित्र रखा गया था, व्योमित्र नाम की वुमोनॉइड थी। इसको जो है इस फ्लाइट थ्रू फ्लाइट जो है इसको भेजा जाना था। बेसिकली इसका एम यह है कि अनमैंड फ्लाइट भेज के गगनयान में जो दो अनमैंड फ्लाइट भेजे जाएंगे तो इक्विपमेंट और जो प्रोजेक्ट किस स्तर पर है वो जांच लिया जाएगा मैन फ्लाइट से पहले। तो ये जो वुमोनॉइड है व्योमित्र नाम की, इसे भेजा जाना था पर अभी ये कैंसल हो गया है, और आने वाले समय में इसकी डेट लॉन्च होगी कि भाई ये कब होगा। तो और अगर आप दोस्तों पता हो इसरो के बारे में तो आप बताइएगा कि इसरो के जो है अभी करंट चेयरमैन कौन है, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जानकारी थी गगनयान के अनमैन्ड मिशन की, दो ट्रायल मिशन जिसे जो होने वाले हैं उसकी जानकारी थी, जिसमें पहले मिशन में जो है एक ह्यूमनॉइड या वुमनॉइड को भेजा जाएगा जिसका नाम व्योमित्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी 40वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, और इसको चेयरमैन इसको जो चेयर करेंगी वो होंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। जीएसटी काउंसिल दोस्तों एक गवर्निंग बॉडी है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। इसमें 33 मेंबर होते हैं, जिसमें कि दो जो होते हैं वो सेंटर के मेंबर होते हैं, 31 मेंबर जो होते हैं उसमें वो 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, अभी करेंटली वो निर्मला सीतारमन जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो यूजीसी के चेयरमैन है प्रोफेसर डीपी सिंह, उन्होंने ये बताया है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री की, वो ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट कर सकती हैं पीएमई विद्या प्रोग्राम के तहत। और पीएमई विद्या प्रोग्राम के तहत ही दोस्तों दीक्षा भी इंक्लूड होगा, जो कि एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसके थ्रू बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, ई कंटेंट जो है स्कूल एजुकेशन के लिए। मतलब इसमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक मीडियम है जो कि पीएमई विद्या प्रोग्राम है। इसी के अंडर दोस्तों दीक्षा प्रोग्राम भी आएगा। दीक्षा प्रोग्राम दोस्तों जो है वो टीचर्स को लर्न करने के लिए और टीचर को ट्रेन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो पीएमई विद्या के तहत दो चीजें होंगी, पहली तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाना स्कूल्स को कॉलेजेस को, और दूसरा है दीक्षा पोर्टल जो कि टीचर्स से रिलेटेड पोर्टल है वो। तो ये दो चीजें जो है पीएमई विद्या प्रोग्राम के तहत होंगी, ऐसी जानकारी यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने दी है। आगे चले दोस्तों, अभी सीरो सर्विलेंस सर्वे कंडक्ट हुआ, जिसमें पता लगाया गया कि जितने भी सैंपल लिए गए हैं उसमें से सिर्फ जो है 0.73% इंफेक्टेड पाए गए हैं। मतलब जितने भी सैंपलिंग करी गई सीरो सर्वेलेंस सर्वे में, उसमें सिर्फ 0.73 जो है परसेंट वो उतनी पॉपुलेशन इंफेक्टेड पाई गई। अगर हम बात करें सीरो सर्वे की, तो बेसिकली दोस्तों उसमें होता क्या है, ब्लड सीरम का टेस्ट होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, जिनमें देखा जाता है कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं या नहीं, COVID-19 के एंटीबॉडीज हैं या नहीं। अगर उनमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं तो इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वो COVID-19 से इन्फेक्ट होकर ठीक हो गए थे, अपने आप रिकवर हो गए थे। तो ये जानने के लिए जो है सीरो सर्वे करवाया गया था, जिसमें फाइंडिंग्स हुई है कि सिर्फ टोटल
सर्वे की जो 0.73% पॉपुलेशन थी वही कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाई गई। आगे चलते हैं दोस्तों, एडोब ने अभी एक स्मार्ट फोटोशॉप कैमरा ऐप लेके आई है आईओएस और एंड्रॉइड के लिए। दोस्तों अभी थर्ड एशिया इंडिया आशियान यूथ डायलॉग जो है वो हुआ, ऑनलाइन हुआ ये जून 8 से लेकर 10 के बीच में, और कोविड-19 पैंडेमिक के आसपास ही जो है ये घूमता रहा। इसमें जो चर्चाएं जो होती रही वो तो कोविड-19 के आसपास की चर्चाएं ही होती रही, और ये थर्ड मौका था इंडियन आशियान यूथ डायलॉग का। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आशियान नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये था दोस्तों यूथ डायलॉग 2020। आगे देखते दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स को, तो इस वीक की इंपॉर्टेंट डेट्स देखें हम तो जून 8 में वर्ल्ड ओशन डे और या वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आता है, दोनों ही आते हैं 8 जून को, और 12 तारीख को एंटी चाइल्ड लेबर डे है, और 13 तारीख को इंटरनेशनल एब्लिमिज्म अवेयरनेस डे आता है, और 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। और आप देखते रहे दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।